हेलो बच्चों, तो इस वाली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो देखो, क्या एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कराने से पहले आपको बताऊं तो पीछे जो है अपन ने प्रिपरेशन मेथड पूरा कर लिया। प्रिपरेशन मेथड पूरा करके फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी करी थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी भी देखो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना। मैं आपको सही सही बताऊँ तो केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा, वैसे केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें अब ज़्यादा आती हैं। आपके ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, ये थ्योरी में तो है, ये साथ में प्रैक्टिकल में हो रहेगा। अब प्रैक्टिकल में यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल नज़रिए से भी आज वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, अब सुनना, एल्डिहाइड कीटोन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में 4 टाइप की रिएक्शंस है। 4 टाइप की रिएक्शन है। पहली है देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। फिर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा, फिर वहां से कुछ निकलेगा। आई बात समझ में? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हेलोजिनेशन, ऐसे करके आपके पास टोटल 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। और फिर उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन की जो स्पेसिफिक रिएक्शंस है, कि जो सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है या फिर जो कीटोन ही देता है, वो पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी को मैंने इस टाइप तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब ये चारों पार्ट आपको आगे आएंगे, ठीक है ना। उसमें से आज अपन पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा है अपना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पहले तो एक बात ये समझो आप कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों करा रहे हो सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं करा है। तो न्यूक्लियोफिलिक का आप मतलब एक बार समझना, न्यूक्लियोफिलिक क्यों करा रहा हूँ वो सुनो पहले। इसलिए करा रहा हूँ कि कार्बोनिल जो कंपाउंड आपका ये होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इसमें क्या है, इस पे लोन पेयर है देखो, ठीक है। इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में जब आप बात करोगे तो मेरे को एक चीज बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन जब इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे तो धीरे धीरे आने लग जाएगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। बोलो आती कि नहीं आती बात में, एक पाई बॉन्ड और इसका सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के कारण क्या होगी, पोलरिटी जनरेट होगी, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं, न्यू ऑर्बिटल के बीच में। तो पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ खिसक जाएगा, तो धीरे धीरे एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी एक तरीके का, आई बात समझ में? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। अब होगा क्या, सुनना, इस पे एक आएगा न्यूक्लियोफाइल, इस पे क्या होगा माइनस चार्ज। आती बात समझ में? ऑक्सीजन की तो प्रॉपर्टी है नेगेटिव रखने की, लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है पॉजिटिव रखने की। तो ये कार्बन इस समय रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, और जब रिएक्टिविटी बढ़ाएगा तो सुनना क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पिलर को अटैक करने की कोशिश करेगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? ये वाला न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। जब अटैक करने की कोशिश करेगा, आती है बात समझ में? जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो एक बात ये समझ में आ रही है कि ये जो है इससे जाके जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो देखो एड हमेशा वही होता है, एडिशन हमेशा वही होता है जहां पे आपको पाई बॉन्ड दिखेगा। आई बात समझ में? अनसेचुरेशन दिखेगी, तो यहाँ देखो अनसेचुरेशन है। अरे बात समझ में? ये यहाँ जाके जुड़ेगा, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज सुनना, अब ये जो एलिमिनेशन है, तो ये एलिमिनेशन वाला काम तो मैं आपको आगे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज अपन सिर्फ इस वाले के लिए पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो क्या आप, एक न्यूक्लियोफाइल होगा सीधा सीधा जाके जुड़ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन दो में पढ़नी है, तो एल्डिहाइड में और एक कीटोन में। आई बात समझ में? क्योंकि चैप्टर देखो साथ ही साथ चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन वो अपन देखते हैं, है ना। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, जो अपने को पढ़ना है वो देखते हैं क्या है, सुनना। तो ये सब मैं हटा देता हूँ, आपको पढ़ना है एक कीटोन में और एक एल्डिहाइड में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरीके से पता लगाएं कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा। आई बात समझ में? तो सुनो, देखो एक आपके पास इस तरीके से क्या होता है, देखो सुन दे जाओ, एक आपके पास एल्डिहाइड होता है इस तरीके से, ये तो आपका क्या है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड,
ये एल्डिहाइड है, जबकि इस तरफ जो बना था वो क्या है आपका कीटोन। मतलब बात आती है समझ में, एक तरफ तो एल्डिहाइड है और एक तरफ क्या है कीटोन। अब एक चीज एक बात सोचो, ये न्यूक्लियोफाइल ठीक है, इसको मैं दो कॉलम में बांट देता, ये मेरे पास कीटोन है ठीक है, ये एल्डिहाइड और एक कीटोन है, और इस पे भी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास खुद के पास क्या हो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, वो न्यूक्लियस को लव करता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो प्लस चार्ज है ना वो उसको लव कर रहा है। अब प्लस को तो भैया माइनस ही लव करता है, तो देखो इसके पास माइनस है इसलिए क्या होगा ये मतलब ये जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा। अब सुनना, इस पे पोलैरिटी आएगी, आपको पता है पोलैरिटी इस तरीके से आएगी कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बोला होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो इस पे तो माइनस और इस पे प्लस, बोलो बात आती है क्या समझ में, जबकि इस पे देखो तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, बोलो बात आती है समझ में। एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करता है क्योंकि ये तो प्लस को चाहता है तो प्लस पे ही जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, ये माइनस प्लस पे जाएगा, बोलो चला गया। जब ये चला गया तो सुनना प्रोडक्ट ही देखो, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा आर सी आर ओ नेगेटिव, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। बोलो बात आती है समझ में। इसमें जब आप जाओगे देखने, मतलब इसकी मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाने लग देता हूँ, ये बनेगा आपका आर सी आर ऑक्सीजन माइनस और ये एन। बोलो बात आती है समझ, इसमें क्या बनेगा क्लोरोसोम, इसमें बनेगा ये आर सी एच ओ और ये आपका एन। बोलो आती है बात समझ में, ये बनेगा, ये तो ये और ये। अब मैं बोलूं एल्डिहाइड रिएक्शन फास्ट कर रहा होगा या कीटोन रिएक्शन फास्ट कर रहा होगा, तो अब आपके दिमाग में एक चीज समझनी चाहिए, दिमाग में खोपड़ी में एक बात ये आनी चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल माइनस था, इसको जितना प्लस चार्ज मिलेगा ना ये माइनस वाला उतना जल्दी प्लस के पास भागेगा। बोलो बात आती है क्या मेरी समझ में, सेटिस्फाई हो मेरी बात से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल में प्लस चार्ज है तो वो माइनस के पास फटाफट भागेगा। अब एक चीज ये सोचो, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक बना रहेगा या इस वाले पे? तो देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई। अब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो न्यूक्लियोफाइल फटाफट आके इस पे जुड़ गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो न्यूक्लियोफाइल फटाफट आके जुड़ गया। अब किसके पास ज्यादा कमी हुई भाई, एल्डिहाइड के पास ज्यादा कमी हुई कि कीटोन के पास, कीटोन वाले कार्बन के पास कि एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास? सोचो। तो जब तुम सोचोगे तो एक बात ये समझ में आती है कि सर ये वाला ग्रुप तो देखो एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों कौन से ग्रुप है प्लस है, कौन से ग्रुप है प्लस है, जब ये दोनों प्लस आई है तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देते होंगे, बोलो देते होंगे कि नहीं देते होंगे, देते होंगे। और ये जो है कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा। बात आती है समझ में, जब ये जाके जुड़ रहा था तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन बात एक ये समझ में आ रही है कि जब इसके पास में दो दो एल्काइल ग्रुप है, इस प्लस चार्ज का पहले तो मतलब ये समझ में आ रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसके पास ये भी तो सोचो दो दो एल्काइल ग्रुप है ये देने वाले, तो कीटोन के अंदर दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो धुल्ला धुल्ला से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज दो दो जने कम कर रहे हैं, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी आपके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। लेकिन एक बार इसकी बात करते हैं, तो इस वाले केस में क्या है कि एक ही एल्काइल ग्रुप है, देखो हाइड्रोजन तो कुछ लेता देता है ही नहीं, तो अब एक चीज सोचो, ये तो एक ही जना है इलेक्ट्रॉन देने वाला ठीक है, यहाँ दो दो लग रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ भी थी यहाँ भी थी, जल्दी से कमी पूरी कहाँ हो जाएगी इस वाले में, क्योंकि दो दो देने वाले लग रहे हैं, तो भैया यहाँ जो कार्बन है उसका प्लस चार्ज जल्दी कम हो जाएगा जबकि इसका प्लस चार्ज बना रहेगा, और जब इसका प्लस चार्ज बना रहेगा क्योंकि यहाँ तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड में जानते हैं ना एक ही एल्काइल ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है जबकि कीटोन के अंदर दोनों, तो एक बात ये समझ में आ रही है कि
इसका प्लस चार्ज बना रहेगा जबकि इसका प्लस चार्ज कम हो जाएगा जल्दी से। तो अब न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इस पे जाके जुड़ेगा कि इस पे जाके? तो सर जहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा बना रहेगा वहीं न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, जहाँ प्लस चार्ज कम हो रहा होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल क्यों जाएगा? भाई माइनस तो प्लस को चाहेगा ना, तो प्लस तो यहाँ जाता है। माइनस बोलता है भैया देख मेरे को तो प्लस चाहिए, बाण में जाए दुनियादारी, मेरे को तो क्या चाहिए? प्लस चाहिए। प्लस इस पे ही बना है, इस पे नहीं बना हुआ है। आई बात समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से उठेगा और यहाँ जाके सीधा जुड़ जाएगा। किसके तुलना में? तो मैं एक बताऊँ, एल्डिहाइड और कीटोन में जब मैं बात करूँ तो पता ही लगा था कि एल्डिहाइड में रिएक्शन फास्ट हो रही थी। इसका मतलब एक बात अब यहाँ से ये समझ में आ गई, आँख बंद करके, नाक बंद करके, मुंह बंद करके, दिमाग में गांठ बांध लो क्या, कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं क्या, एल्डिहाइड जो होते हैं वो ध्यान रखना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में? एल्डिहाइड आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में? कीटोन के कंपेयर में। मतलब एक बात ये समझ में आती है कि एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट करेगा किसके कंपेयर में? कीटोन के कंपेयर में। तो ये क्वेश्चन दो नंबर पर पूछा हुआ है, आई बात समझ में? बोर्ड में पूछा हुआ है, पूछा ये था कि वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वाई मतलब आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझा के उसको थ्योरी में लिख के आना था कि इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है तो इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी कम हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी कम नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी जाके जुड़ जाएगा। या फिर अब एक एग्जांपल से सोचते हैं ना, अब देसी तरीके से सोचते हैं। तो ये तो था केमिकल तरीका, अब देसी तरीका सुनो। ये क्या है? एक पापा जी है। ये क्या है? पापा, ठीक है, ये पापा है, आई बात समझ में? ये मम्मी है, आई बात समझ में? ये मम्मी है, मम्मी सही है ना? हाँ मम्मी सही है। इधर भी ये पापा है और इधर भी ये मम्मी है। अब देसी तरीका सुनो, पापा मम्मी के पास तभी जाएंगे जब बच्चे कम होंगे, आई बात समझ में? मम्मी जब तक नहीं होती है तब तक पापा बहुत मम्मी के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बच्चे लग गए दो दो एल्काइल ग्रुप, दो दो लग गए, वैसे ही पापा मम्मी के पास कम जाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी पुरानी होने लग गई है, ठीक है ना, मन भरने लग गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि नए नए लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो ये इस समय एक ही बच्चा है तो पापा मम्मी के पास ज़्यादा जाएंगे, कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियोफाइल इस प्लस चार्ज के पास ज़्यादा भागेगा, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है यहाँ कम भागेगा क्योंकि दो दो आ गए अब तो। हैं समझ गए? अरे सर समझ गए, चलो आगे चलो, अब आगे चलते हैं सुनना। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई, अब इसकी क्या करनी है? अब ये देखना है, चलो एल्डिहाइड और कीटोन में ही पता लग गया कि एल्डिहाइड सर अपने क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था। अब एल्डिहाइड भी एक ही थोड़ी है, एल्डिहाइड तो कई टाइप के हैं, अब उनमें कैसे पता लगेगा? तो उनका देख लो फटाफट से। तो देखो मम्मी पापा का कंसेप्ट समझ में आ गया सर, आगे सुनो। अब सुनना क्या है, आपको ये कोई बोल दे सी, देखो इस तरीके से देखो, पहले मैं एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, सुनना। एक कोई दे दे एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, बोलो बात आती है समझ में? एक आपको ये दे दे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक कोई आपको ये दे दे सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई इस तरीके से दे दे आपको, ठीक है इस तरीके से, और आपको बोले कि इन तीनों में से बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, न्यूक्लियोफाइल इस पे भी जाके जुड़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पे भी जाके जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे भी जाके जुड़ेगा, बोलो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इस पे भी जब जाके जुड़ता है तो देखो ये इधर जाएगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक है, इस पे जाओ तो इस पे ये माइनस और इस पे प्लस, इस पे जाओ तो इस पे ये माइनस और इस पे प्लस। तो सुनना, न्यूक्लियोफाइल इसके प्लस चार्ज के पास जाएगा तो देखेगा, तो देसी में बोलूँ तो इसके पास बच्चा है ही नहीं, हाइड्रोजन कोई बच्चा बच्चा नहीं है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप बच्चा होता है, ठीक है, तो ये कोई बच्चा बच्चा नहीं है तो जल्दी जल्दी जाएगा। जबकि नीचे वाले में देखो तो
एक बच्चा बिक गया, थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे आगे की बात समझ में, पापा जी मम्मी जी के पास धीरे धीरे जाएंगे, तो कार्बन मम्मी जी है वही बात समझ में, जबकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ देखोगे तो यहाँ मोटी तगड़ी मम्मी बैठी है, सॉरी वो मोटे तगड़े बच्चे बैठे हैं, आई बात समझ में, ये बड़ा एल्फाइल ग्रुप है, जब बड़ा एल्फाइल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जाएगा और धीरे। तो एक सीधी सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि इसके प्लस चार्ज को देखोगे ना तो यहाँ हाइड्रोजन कोई लेने देने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसका प्लस चार्ज ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया और यहाँ एक इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा ये वाला, और जब ये ज़्यादा देगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये प्लस चार्ज और कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, अब ये इलेक्ट्रॉन की जब पूर्ति होगी तो न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके धीरे जुड़ेगा। तो अब एक बात खोपड़ी में बिठा लो, क्या, कि जितना ज़्यादा प्लस आयन ग्रुप होगा या जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, ध्यान रखना कि पोपाड़ा किधर बच रहा है भाई, है ना, ट्रक वर्क जा रहे हैं, तो देखो प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, वो क्या है कि घर जो है वो रोड के ही कॉन्टेक्ट में है, आई बात समझ में, अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर घर रोड पे ही है, है ना, कि रोड के पास में तो ट्रक वगैरह चलते ही रहते हैं इसलिए आवाज़ आती है आपको, ठीक है ना, तो देखो प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, या जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही कम होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी कम होगी, तो जितना ज़्यादा प्लस आई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतनी कम होगी, बोलो बात आ गई क्या समझ में, मेरे कहने का मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा, ये फिर स्लो देगा और ये सबसे स्लो देगा, बोलो बात आती है, अरे खोपड़िया में बैठ गई ना, हाँ सर, अब कीटोन की बात कर लेते हैं, कीटोन में सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, एक जगह कोई CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, बताओ इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन, तो देखो इसके पास छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप है, इसके पास बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप है, तो इसका एल्काइल ग्रुप बड़ा है, जब एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, जब ज़्यादा देगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल धीरे से अटैक करेगा, तो ये जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको मैं एक नंबर दे दूँ, इसको दो नंबर, तो एक नंबर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बोलो बात आ गई समझ में, अब इस पूरे लेक्चर का निचोड़ बता देता हूँ क्या है, सुनो कोई मेरे को बोले HCHO, कोई मेरे को बोले CH3CHO, और कोई बोले मेरे को CH3COCH3, ये क्वेश्चन CBSE PMT पूछ चुका है, ठीक है ना, HCHO CH3CHO CH3COCH3 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो सबसे फास्ट ये है, कोई ये क्यों, क्योंकि इसमें कोई प्लस आई लग नहीं रहा तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, इसमें सिर्फ एक लगा है और इसमें दो दो लगे हैं, आ गई बात समझ में सर, हैं, जितना बच्चा पार्टी उतना धीमे रिएक्शन, यही बात है इस संसार जगत में, यही सीखना है, हैं, चल सीख लिए, अब आगे चलो, अब इतनी देर तो पढ़ ली है मम्मी पापा का कॉन्सेप्ट, अब इनकी रिएक्शंस, वो रिएक्शन सुनो क्या क्या है, रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो देखो कर लो, ठीक है सर, आगे चलते हैं, अब रिएक्शन सुनो, पहले रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन क्या, सोडियम बाय सोडियम बाय सल्फाइड के साथ, किसके साथ है, सोडियम बाय सल्फाइड के साथ, तो सोडियम बाय सल्फाइड देखो ये होता है NaHSO3, बोलो आती है बात समझ में, अब ये NaHSO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, अब इस पे देखो, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सुनना HNaSO3, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, अब होगा क्या, सुनो ये H प्लस और ये बाकी का माइनस वाला पार्ट बच गया, जब ये वाला पार्ट बच गया तो सुनो क्या होगा, और ये इधर घूम के ये माइनस और ये वो आ गया आपके प्लस, बोलो बात ही आती है समझ में, तो ये एच प्लस इसके चला जाएगा तो ये देखो ये बन जाएगा आपके, ठीक है, ऑक्सीजन सर ये तो बन गया आपके माइनस ओ
है और ये क्या हो गया SO3 Na। बात आती है समझ में? तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया आपके पास में प्रोडक्ट बन गया इसका। बात आती है समझ में? अब वो आपकी मर्जी है, देखो या एल्डिहाइड लगाओ या फिर कीटोन बनाओ। कीटोन एल्डिहाइड बनाना आपकी मर्जी है। देखो आप यहाँ एच और यहाँ सी एस थ्री ये लगाते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन आप बनाते रहे ना। मेरा तो कार्बोनिल रिएक्शन कराने का तरीका बताना था आपको, जो मैंने बता दिया। आई बात समझ में? इसी तरीके से करना है प्लस माइनस बना के, ठीक। तो पहले दूसरी रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन साइड से हाइड्रोजन किससे हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है HCl। बोलो बात आती है समझ? अरे सर आती है, कितनी बार बोलते हो आती आती है, हम ऐसी समझ लेते हैं। तो देखो ठीक है, नहीं आया ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार। कई लोग क्या है कि घुटते रहते हैं सर से, पूछे कि नहीं पूछे, पूछे कि नहीं पूछे। मैंने एक जने को देखा था ऐसे व्हाट्सएप पे, बार बार टाइप कर रहा था फिर मिटा रहा था, बार बार टाइप कर रहा था तो मिटा रहा था। जब क्या है कोई व्हाट्सएप पे सामने टाइप कर रहा होता है ना, स्टूडेंट ही है, कुछ क्वेश्चन टाइप वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर क्वेश्चन पूछते पूछते बार बार टाइप करता फिर मिटा देता। तो जब टाइप करता है ना तो सामने जो बंदा बैठा होता है उस बंदे को खोल के उसको दिख जाता है कि ये टाइप कर रहा है, तो बार बार टाइप करता है बार बार मिटाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो डाउट हो पूछ लिया करो यार, है ना, ऐसे काम मत किया करो। तो ये देखो ये आपके पास में क्या है, कीटोन है, कीटोन एल्डिहाइड जो भी आपको बना रहे बना लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन बस इसके साथ करानी है HCl के साथ, इसका नाम मेथेनाइट्राइल भी होता है, ध्यान रखना क्योंकि पूछ चुका है एक बार IIT पूछ चुका है इसको, ध्यान रखना, ठीक है। अब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराओ सर, वही काम इसको इधर ये माइनस हो गया आपका प्लस। अरे यार बहुत ईजी सर, आप तो हलवा बन गया सर है, कौन सा गाजर का देखो सर, गाजर का कहाँ मिलेगा इसी जगह, तो देखो मतलब बात आती है समझ में, हो गया। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, रख लोगे आप कहानी, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ध्यान रखना HCl की जब रिएक्शन कराते हो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर तो क्या बनता है साइनोहाइड्रिन, रहेगी बात याद। चलो आगे की बात करते हैं सर, आगे चलो ना, चलो भाई दिल्ली चलो, हो गया बनना पहला दूसरा तीसरा क्या हो। अब किसके साथ करेंगे रिएक्शन, अब करेंगे अपन अल्कोहल के साथ। तो देखो रिएक्शन विद अल्कोहल, किसके साथ अल्कोहल के साथ, तो सुनना जब आप तीसरी रिएक्शन करा रहे ये आप कोई कंपाउंड लेवल से लेंगे और उसकी रिएक्शन करा लो किसके साथ अल्कोहल के साथ। अब आपने गुरुजी एक बात बताई थी क्या, 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो OH का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही मान के चल लो अभी तो, ठीक है ना। तो इसको तो तोड़ दो H प्लस और इसको माइनस में, याद है अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाया था तब, तो ये बातें समझाई थी मैंने वहाँ पे, दादा दादी का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है ये वहीं से, सॉरी दादा दादी नहीं अंकल आंटी कॉन्सेप्ट बताया था, वहाँ से आया था ये, ठीक है ना। तो ये वहीं से, तो दादा दादी कॉन्सेप्ट दे चुका, अंकल आंटी कॉन्सेप्ट दे चुका, और आज ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, मम्मी पापा कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो देखो ये इधर घूम गया दिल्ली होम पेज पे क्या आ गया, तो सुनो सी ओ, तो देखो ये प्लस इसके पहुंच जाएगा और ये क्या बन गया ओ आर, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, क्या बोलते हैं हेमी एसीटल, ठीक है हेमी एसीटल। अब इस हेमी एसीटल का क्या करो, आप रिएक्शन करा दो दोबारा से अल्कोहल के साथ, आर डैश ओ एच ले लो, ठीक है आर डैश ओ एच लोगे तो जब इसका हेमी एसीटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो सुन लो ये वही आपका एच प्लस और ये वही आपका माइनस, और समझ रहे हो कि बात नहीं। अब जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो अब यहाँ से सुनो ये आपका H प्लस और ये आपका माइनस, बोलो आती है बात समझ में। अब होगा क्या तो सुनना, देखो या फिर यू मान लो आप तो इसको O- और H+ में तोड़ दो और इसको OH- और इसको R में तोड़ दो, ठीक है
वो देखो आपकी मर्जी है, क्यों? क्योंकि मेरे ने आपको ये पढ़ा रखा है ROH का बॉन्ड तोड़ो या OH का बॉन्ड तोड़ो, आपको दोनों अल्कोहल में तोड़ सकते हो, बस फर्क इतना है 3 डिग्री होगा तब ROH का बॉन्ड टूटेगा R और OH के बीच का, लेकिन 1 डिग्री होगा जब O और H के बीच का। तो बस अब आपको क्या करना है, देखो तो क्या करना है यहाँ से, ठीक है O R मतलब नहीं कहना, चलो ये OH माइनस हो गई H प्लस, मिलके H2O तो निकाल डालेगा, H2O निकाल डालेगा, ठीक है, और ये जो है वो आपका ओ आर बन जाएगा, और ये क्या हो गया आपके एसीटल। बोलो बात आती है क्या समझ में, ये क्या बन गया एसीटल। तो ये हेमी एसीटल और ये एसीटल, हेमी एसीटल का मतलब है कि इसमें एक ओ आर ग्रुप ही है, और एसीटल का मतलब है इसमें दोनों पे ओ आर ग्रुप है। बात आ गई क्या समझ में? अरे सर आ गई है, चलो आगे हटाओ ये काम। अगला कर गया हमने कौन सी, फोर्थ रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन सुन लो, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन सुन लो, फोर्थ रिएक्शन है आपके पास में। तो देखो एसीटल बना लिया, सब कुछ बना लिया, एक और है एक चक्रीय पीटा है, इसको छोड़ो अभी। देखो एक रिएक्शन के पीछे वाले में कुछ एक और बता रखी है, CH3 CH3 CH2 प्लस, एक इथाइलिन ग्लाइकोल से इसकी रिएक्शन बना रखी है। इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता है क्या होता है, ठीक है, तो जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो सुनना क्या होता है, ये बनता है CH3 CH3 डबल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड के साथ टूट रहा है, तो ये बन गया आपके ओ, ये ओ, ये CH2 और ये CH2। तो इसको बोलते हैं चक्रीय कीटल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं चक्रीय कीटल, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल या चक्रीय कीटल। अगली बात समझ में, तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनता है, एक रख लोगे आप। तो इस तरीके से क्या हुआ आपको, मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन सिखाए वो मैंने आपको यहाँ बताई, ठीक है। तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही करेंगे, इस मम्मी पापा कॉन्सेप्ट को यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो उम्मीद करता हूँ, ठीक है आपका। देखो मैंने लगभग इस चैप्टर का 50% पार्ट से ज़्यादा करा दिया है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता भी नहीं लगे कब ख़त्म हो गया, जैसे इथर पता ही नहीं लगा था कब ख़त्म हो गया 2 लेक्चर में, कार्बोक्सिलिक में भी कुछ कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। ठीक, तो अब अपन इस लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे, तब तक के लिए अपन इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, शेयर करवा दो यार, शेयर किया करो, बस उन बच्चों को भेजो जो ये नहीं पढ़ते, ठीक है ना, जो नहीं पढ़ पा रहे, या फिर जिनके पास में मान लो कि पता नहीं है उन बच्चों को कि कुछ चल भी रहा है सर 12th का, ठीक है ना, तो उन बच्चों को भेजो। क्या होता है हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता है, वो सोचते रहते हैं कहीं मिल जाते हैं ऐसे कोई गुरुजी कि हमारी 12th हो जाती। हम भी जैसे हमारे टाइम जब हम 12th में थे तो हमारे को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, ठीक है ना, खुद से ही पढ़ते थे, बुक लेके खुद ही चालू हो जाते, ठीक है ना, किसी ने सजेस्ट नहीं किया था कि 12th में यही आएगा, बस ये पता था बुक ही होती है, उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। हमारे पास उस समय व्हाट्सएप ना कोई यूट्यूब, फ़ोन भी नहीं होता था घर में, फ़ोन भी एक डब्बा सा था छोटा सा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जितना शेयर करोगे लोगों तक पहुँचाओ, जिनको ज़रूरत है उनको पढ़ने को बोलो, ठीक है। तब तक अपन इस क्लास को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, डेली पढ़ते हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।